श्री कुमार तिवारी जी पिता थे और हमारे चंदू भाई जो कि लगातार हम लोगों से मिलते रहते हैं और हम लोगों को नई नई चीज़ें भी बताते रहते हैं। हमारे गोविंद जी जो हमारे बचपन के मित्र हैं और इनके साथ लगातार हम लोग बहुत सारे खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लिए हैं। चौबेपुर के सभी संभ्रांत नागरिक और प्रिय बच्चे, आज का दिन बड़ा शुभ है क्योंकि 25 तारीख जो है वो पता नहीं क्यों ये डेट इसमें जो पैदा होता है वो बहुत बड़े ज़बरदस्त काम करता है। जैसे कि हमारे महामना मालवीय जी, आप लोगों में इससे भी बहुत सारे लोग इस तारीख को पैदा हुए होंगे, तो महामना मालवीय जी जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनाया, और महामना जी भले ही प्रयागराज के रहने वाले थे लेकिन उन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनारस में बनाया क्योंकि बनारस की धरती ऐसी है कि जहाँ जो भी आता है वो पावन हो जाता है, वो सोना बन जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब भी चुनाव लड़ते हैं वो यहीं से लड़ते हैं, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका भी जन्म आज ही के दिन पड़ता है, और चाहे हमारे मालवीय जी हों चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, ये सारे लोग अजात शत्रु बोले जाते थे। जैसे आप लोग खेल कूद में खेलेंगे तो कभी कभी आप हार भी जाते हैं, तो हारने के बाद जो खींच आती है सबके अंदर आती है, हम लोगों के भी अंदर आती थी। जैसे हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग जितनी भी प्रतियोगिता वाली परीक्षाएं दिए हों हर जगह पास होते गए हों, लेकिन वही चीज़ हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो आप लोग भी अगर इस खेल में हारे या जीते इसका कोई मतलब नहीं है, इस खेल में अगर आप हार भी जाते हैं तो पक्का है कि आगे आप जीतेंगे, क्योंकि आपको जो प्रेरणा मिलती है हारने से वो भी एक बहुत बड़ा पावर होता है। तो ये लोग भी, इनके शत्रु भी जो थे वो लोग भी सोचते थे कि ये एक ऐसा आदमी है जो कि अपने सत्कर्मों पे, अपने अच्छे कार्यों के फलस्वरूप सभी लोगों में लोकप्रिय होता था। तो आप लोग भी अपने खेल को और अपने जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल पढ़ाई होती है, और आप लोग देखेंगे कि अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली बनाई गई है, आप ही जैसे कुछ दो चार टेक्निकल भारतीय लोग चले गए और उन्होंने इतनी बड़ी सिलिकॉन वैली बना दी कि आज जितने भी कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रगति है वो सब खाली भारतीयों की देन है, भले ही वो अमेरिका में हो। तो आप लोग ऐसा सोच करके आगे बढ़ें, और ये जो धरती है ना, जो गंगा प्लेन जिसको बोला जाता है, गंगा की घाटी, इस धरती से एक वीर पुरुष निकले हैं। समझ लीजिए हुड़ जो थे, हुड़ों का आक्रमण एक समय इतना बुरी तरीके से था, पूरा भारत क्या पूरा यूरोप उससे भयाक्रांत था, इसी तलहटी के लोगों ने उन हुड़ों को मार करके भगाया नहीं, उनको पूरा नेस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया उनको जड़ से। तो आप लोग ऐसे क्षेत्र से हैं जो क्षेत्र अगर सोच ले ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है, तो इसी खेल भावना के साथ आप आगे बढ़ें, अपने देश के लिए करें, और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।